हे गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। सो आज जो है हम मोटो के लिए नया फ़ोन लेने जा रहे हैं फिर से, क्योंकि जो लास्ट टाइम हमने जो फ़ोन परचेज़ करा था रेडमी नोट 11 प्रो प्लस, उसकी कैमरा क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। क्योंकि हमने चेक करके लिया था, उसका 108 मेगापिक्सल कैमरा था, बट जब हमने रियलिटी में उससे वीडियोज़ बनाई तो उसकी क्लैरिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी हमें। क्योंकि हम वीवो के फ़ोन से, अभी जो मैं बना रहा हूँ वो वीवो के फ़ोन से बना रहा हूँ, और उसकी कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, वेदर इट्स अ फ्रंट कैमरा और अ बैक कैमरा। तो हम सारी वीडियोस वीवो के फ़ोन से ही बनाते हैं। हमने सोचा था रेडमी का लेने के बाद हमारे पास एक एक्स्ट्रा कैमरा हो जाएगा, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे। हमने एक भी वीडियोज़ नहीं बनाई क्योंकि क्वालिटी ही बेकार आ रही थी। इसलिए हमने सोचा कि इसको हम सेल कर देते हैं और नया फ़ोन लेते हैं। अभी जो है हम मोटो के लिए नया फ़ोन लेने जा रहे हैं, वीवो ओप्पो में से ही देखेंगे अगर कुछ, क्योंकि इनकी कैमरा क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि नियर में स्टोर भी है हमारे। अगर पसंद आ जाता है तो हम हाथों हाथ ले भी आएंगे, अदरवाइज़ हम किसी दूसरे स्टोर पे देखेंगे, लेकिन ऑनलाइन परचेज़ नहीं करेंगे। क्योंकि ऑनलाइन दिखाता कुछ और है और होता कुछ और है। जैसे ऑनलाइन 108 मेगापिक्सल कैमरा दिखाया था, बट वो निकला इतना अच्छा नहीं है ना मोटो। इस बार बेटर है कि हम जाके देख के शॉप पे चेक करके सब कुछ लेके आए और वीडियो भी बना के आए उसी टाइम। अगर अच्छा लगेगा तो ले भी लेंगे, ठीक है मोटो? तो चलते हैं मोटो नया फ़ोन लेने। एक्साइटेड फॉर द न्यू फोन अगेन? लेट्स गो एंड बाय अ न्यू फोन फॉर यू। ओके, चलो। तो गाइस हम लेने जा रहे हैं न्यू फोन और हम बाय वॉक ही जा रहे हैं क्योंकि हमारे घर के पास ही स्टोर है। लाडो भी वॉक कर रहा है, पापा भी वॉक कर रहे हैं, मम्मा भी वॉक कर रही है ना। तो मेरा इवनिंग वॉक भी हो जाएगी और फोन भी ले रहे हैं ना लाडो। यस यस। तो गाइस आ गए हम ओप्पो के स्टोर पे। मोटू इज एंटरिंग फर्स्ट, देखते हैं कोई अच्छा सा फोन मिलता है तो, समझ आया तो लेंगे। तो अब आए हैं हम रिलायंस डिजिटल स्टोर। पहले वाले शोरूम में हमें कुछ समझ नहीं आया, तो हम देखते हैं इसमें अगर कुछ समझ आता है तो। सो गाइस फाइनली जो है मोटो को फ़ोन मिल गया है। तीन चार दुकानें सर्च करी, मिल ही नहीं रहा था, मोटो को पसंद ही नहीं आ रहा था। मोटो कहने लगे वीवो के कंपैरिजन में तो कोई है ही नहीं। तो हम थक गए थे, हमने थोड़े एक्सपेंसिव भी देखे, उसमें मज़ा भी नहीं आया। सैमसंग, ओप्पो, फिर एट द एंड हम एक शॉप पे गए, दैट इज़ मधुर इलेक्ट्रॉनिक्स जो खानसा रोड पे है। उनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है। सो गाइस अब हम अनबॉक्सिंग करेंगे सौम्या के नए फ़ोन की। कल रात को थोड़ा लेट हो गए थे हम, तो मम्मी सो गई थी, तो हमने कहा जब मम्मी सुबह उठेगी ना तब अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये रही मम्मी और ये रही मोटो। मम्मी हमने जो फ़ोन आपने गिफ्ट करा था मोटो को, वो उसका कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो हमने वो सेल कर दिया और उसकी जगह एक नया फ़ोन ले लिया। लेकिन ये वाला फ़ोन काफ़ी अच्छा है, मतलब सौम्या को देखते ही पसंद आ गया था क्योंकि इसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी है। क्योंकि हम वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं तो वीडियोज़ वगैरह के लिए कैमरा क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है। सो गाइस अब मोटो को वीडियो बनाने में थोड़ा मज़ा आएगा और फोटो क्लिक्स करने में थोड़ा मज़ा आएगा। मम्मी मोटो को दे दो ये फ़ोन, ये आपकी गिफ्ट का रिप्लेसमेंट गिफ्ट है। ये हमने रिप्लेस कर दिया। तो ये मम्मी ने दे दिया सौम्या को फ़ोन वीवो Y75। ये अभी मोटो खोल के दिखाएगी और इसकी कैमरा क्वालिटी भी सब कुछ चेक करेगी और फिर बताएगी कि मोटो कैसा है ना मोटो। सो लेट्स ओपन द बॉक्स। सो गाइज अब ये मोटो ने ओपन कर लिया है एंड इट इज वीवो Y75। सो पहले में क्या है मोटो, जरा दिखाओ हमें पहले कवर में। सो ये हमारा बैक कवर है एंड इट इज़ वेरी गुड कि यार साथ में बैक कवर भी मिल जाता है और इसका बैक कवर जो होता है काफ़ी यूजफुल होता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये इसका वारंटी कार्ड है। ओके, अब मोटो निकाल रही है फोन। मोटो बोलना हियर इज द ब्यूटी। वो एंड दैट्स नाइस, एकदम मेरा चेहरा दिख रहा है पूरा इसके बैक साइड में। तो मिरर का काम कर रहा है, तो मोटो का मिरर कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये रही हमारी लाडो सो रही है, इसको आराम से सोती रहे यार। तो अभी सोती रहे लाडो।
चार्जर ओके दैट्स रियली नाइस यार. मतलब ईयरफोन्स ना बहुत कम स्मार्टफोन्स के साथ अब हो गए हैं, और इसके साथ ये अच्छी चीज़ है कि हमें ईयरफोन साथ में मिल रहे हैं और एक यूएसबी केबल. ठीक है, ऑन किया जाए फ़ोन को. वीवो पावर्ड बाय एंड्रॉयड. यार कैमरा क्वालिटी हमने कम से कम कितनी शॉप्स, 4 से 5 शॉप्स घूमी होंगी मोटो, हमें किसी का पसंद नहीं आया. हमने ओप्पो देखा, सैमसंग देखा, रेडमी देखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. हमने कहा हमें फ़ोन मिलेगा ही नहीं आज, लेकिन फाइनली मोटो को एक फ़ोन पसंद आ गया और वो है वीवो Y75. चलो ओपन हो गया. वाओ, टच करके दिखाना मोटो. काफ़ी सॉफ्ट टच भी है, नहीं स्मूथ भी है. एंड कैमरा मेन है, कैमरा डन. फ्रंट कैमरा ओपन करो मोटो. सो गाइज, इसकी कैमरा क्वालिटी रियली काफ़ी अच्छी है. आप देख पा रहे हो मैं आ रहा हूँ उस कैमरे में, और मुझे अपने फ़ोन से ज़्यादा अच्छा कैमरा लग रहा है सामने वाले का. मैं अपना सोचता था कि मेरा कैमरा सबसे बेस्ट है, लेकिन हमें इससे बेस्ट भी मिल गया है अब. तो मोटो को ये देखते ही पसंद आ गया था कि यार जैसे मैंने कैमरा ऑन करा ना, हाँ यही चाहिए मुझे, है ना. सो मोटो और मम्मी अब देख रहे हैं, सेल्फी लेने के लिए सोच रहे हैं. तो एक सेल्फी लीजिए. सो सेल्फी ले रही है मोटो. वाओ, नाइस क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी आ रही है. सो अब मेरे साथ भी एक फोटो क्लिक की जाए. सो गाइज, आप देख पा रहे हो कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है. ठीक है, तो मोटो एक बार इसे व्लॉग भी बना लो. दिस इज माय न्यू कैमरा, न्यू फोन. वो मोटो क्या क्लैरिटी है. अब गाइज आप देखना, जब मैं वीडियो में डालूंगा तो बताना क्लैरिटी किसकी अच्छी लग रही थी, मेरे वाले वीवो की, वीवो V21 की, या वीवो Y75 की, है ना. सो मुझे तो इसकी क्लैरिटी अच्छी लग रही है. मोटो आपको किसकी लग रही थी? इसकी ज़्यादा बेटर. इसकी ज़्यादा बेटर है ना. सो गाइज, ये जो फ़ोन है वो हमें पड़ा 20,000 रुपीज़ का. मैंने जब ऑनलाइन चेक करा इसका प्राइस तो वो था 21,000 रुपीज़ का. तो मतलब ऑफलाइन स्टोर से बेनिफिट्स तो मिल जाते हैं आपको, क्योंकि आपको कंपैरिजन करने को मिल जाता है और देखने को मिल जाता है. सबसे इम्पॉर्टेंट था कि हमें देखना था इसका कैमरा, तो इसलिए हम स्टोर्स पे विज़िट कर रहे थे. और देख के ही पता चलता है आपको कि किसकी कैमरा की क्वालिटी अच्छी है. तो हमें इसकी कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए हमने ये परचेज़ करा. सो गाइज, दिस इज़ मोटोज न्यू फ़ोन वीवो Y75. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइज, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर जितना मर्जी हो सकेगा उतना कीजिएगा. हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. टिल द टाइम, बाय बाय.